नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में। आज हम बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफेस्ट के ग्राउंड के ऊपर। 20 जुलाई को शाम को 8:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो याद से ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा, आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि मैच खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफेस्ट के ग्राउंड के ऊपर। अगर दोस्तों इस ग्राउंड की पिच की बात करें तो इस ग्राउंड के ऊपर अब तक T20 इंटरनेशनल के 19 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैच जीते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम डोमिनेट करती हुई दिख सकती है, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है एज कंपेयर टू आयरलैंड, तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड के जीतने के चांस बढ़ सकते हैं। यानी दोस्तों इसका एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हो, अगर न्यूजीलैंड की टीम यहां पे पहले बैटिंग करती है तो आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, और अगर आयरलैंड की टीम यहां पे पहले बैटिंग करती है तो आपको लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एक खास बात और बता दूं कि 19 मैचों के अंदर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 134 रन है, लेकिन दोस्तों अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, और आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें 19 मैचों के अंदर स्कोर पैटर्न की, तो 150 से नीचे स्कोर 14 बार बनाए, 150 से 169 के बीच में स्कोर 2 बार बनाए, 170 से 179 के बीच में स्कोर 2 बार बनाए, और 190 प्लस स्कोर 1 बार बनाए। यानी दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम ऑफ टाइम स्कोर है वो 150 से नीचे रहा है। इसका मेन रीजन क्या दोस्तों, कि इस ग्राउंड के ऊपर काफी कमजोर टीमों के मैच हुए इसलिए स्कोर नीचे गया है। बाकी दोस्तों यहां पे आप 160 या 150 के आसपास स्कोर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि इस सीरीज का जो पहला T20 मैच था वो इसी ग्राउंड के ऊपर खेला गया था, जिसके अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 173 रन बनाए थे 8 विकेट पे, और आयरलैंड की टीम 142 रन बना के ऑल आउट हो गई थी, और न्यूजीलैंड ने वो मैच 31 रनों से जीत लिया था, जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे ग्लेन फिलिप्पी, जिन्होंने 69 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की तरफ से। अगर दोस्तों इस मैच में हम फास्ट वर्सेस स्पिनर की बात करें तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिला था, दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिले थे। वहीं दोस्तों उस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल ने 24 रन बनाए थे, ग्लेन फिलिपी ने 69 रन बनाए थे, जिमी निशम ने 2 विकेट 29 रन बनाए थे, एम ब्रेसवेल ने 21 रन बनाए थे, लोकी फर्गुसन को 4 विकेट मिले थे, मिशेल चैंडलर को 2 विकेट मिले थे, आईएस सोडी और जेकब डफी को 1-1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों उस मैच में आयरलैंड की तरफ से जोशुआ लिटिल को 4 विकेट मिले थे, मार्क आदिल को 2 विकेट मिले थे 15 रन बनाए थे, जोश डोकरेल ने 1 विकेट मिला था 15 रन बनाए थे, क्रिस कैम्फर को 1 विकेट 29 रन, पॉल शिल्डिंग ने 13 रन बनाए थे, और एंडी बेलब्रेन ने 12 रन बनाए थे। अब दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि इस मैच में आप देखोगे दोनों इनिंग के अंदर अच्छे खासे आपको विकेट फॉल देखने को मिले, तो आपको इस चीज तो ध्यान में रखनी है, यानी आपके लिए बॉलर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप 5 बॉलर के साथ भी जा सकते हो। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर लोकी फर्गुसन ने 4 विकेट लिए थे, ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा ऑप्शन है। उसका दोस्तों जोशुआ लिटिल ने 4 विकेट लिए थे, ये प्लेयर भी आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि दोस्तों इस मैच में पॉल शिल्डिंग और एंडी वेलब्रेन फ्लॉप रहे थे, लेकिन दोस्तों इस मैच में ये प्लेयर भी कमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे इस वीडियो में आपको ऐसे 2-3 प्लेयर के बारे में बताऊंगा जिनका सिलेक्शन थोड़ा कम रहने वाला, लेकिन दोस्तों वो प्लेयर भी कमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो चीज़ मैं आपको बाद में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके आपसे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात। अगर हम बात करें इस पिच के बेसिस पे आपके लिए कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से बेसिक पिक, यानी वो प्लेयर जिनको हर एक बंदा अपनी स्मॉल लीग की टीम में सिलेक्ट करेगा। तो न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल और लोकी फर्गुसन, इन दो प्लेयरों को दोस्तों हर एक बंदा अपनी स्मॉल लीग की टीम में सिलेक्ट करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहां पे मार्टिन गुप्टिल के सामने क्रैग यंग, मार्क आदि बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो हो सकता है प्लेयर इस प्लेयर को आउट कर दे। तो अगर आप ग्रैंड लीग की ज्यादा टीमें बना रहे हो, अगर आप थोड़ा रिस्क लेके यहां पे मार्क आदिर या क्रैग यंग में किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हो, उस केस में आप मार्टिन गुप्टिल को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो कुछ टीमों के अंदर। उसके बाद दोस्तों आयरलैंड की तरफ से बेसिक पिक रहने वाले लोगों की मार्क आदिर और क्रिस कैम्फर। अब दोस्तों यहां की सबसे खास बात क्या है कि इस ग्राउंड के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर पावर प्ले के में फास्ट बॉलर को थोड़ी स्विंग मिलती है, यानी दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे लोकी फर्गुसन, बेन शियर्स या जेकब डफी में से कोई खेलेगा वो प्लेयर, तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वहीं दोस्तों आयरलैंड की तरफ से आपके लिए पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे क्रैग यंग, मार्क
शादी और जोशुआ लिटिल, तो ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट मैच में जोशुआ लिटिल को 4 विकेट मिले थे, मार्क आदिर को 2 विकेट मिले थे, लेकिन दोस्तों क्रैग यंग ने भी कमाल की बॉलिंग की थी, हालांकि इनको विकेट नहीं मिला था और इस मैच में इस प्लेयर का सिलेक्शन थोड़ा कम होगा, तो क्रैग यंग आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है इस मैच के अंदर। अगर दोस्तों कुछ और ग्रैंड लीग के ऑप्शन की बात करें तो डी क्लेवर है, वो न्यूजीलैंड की तरफ से 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और विकेट कीपर बैट्समैन है, ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन रह सकता है। उसका दोस्तों फिन एलन है, ये ओपनिंग करते न्यूजीलैंड की तरफ से, लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए थे, ये प्लेयर भी आपके लिए ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन रह सकता है। उसका दोस्तों आईएस सोडी एंडी बल्बिन आपके लिए ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ स्पिन सेक्शन की बात करें, यहां पे दोस्तों ग्रेथर डेनली है, ये प्लेयर आपके लिए जीएल में एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। रीजन क्या दोस्तों, एक तो प्लेयर 3 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, दूसरा दोस्तों स्पिन बॉलिंग भी कर सकता है, उससे बाद दोस्तों एंडी मैकब्राइन मिचेल सैनन और आईएस सोडी में से आप किसी को मौका दे सकते हो। बाकी दोस्तों पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके आपसे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ आयरलैंड विद बैटिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आपके लिए बैटिंग ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आयरलैंड की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे पॉल स्टीलिंग और एंड्रयू बल्ब्रिन, उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं ग्रेथर डेलनी, यानी दोस्तों आयरलैंड की तरफ से ये जो 3 प्लेयर है वो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आयरलैंड की तरफ से मिडल ऑर्डर कमान संभालेंगे हैरी ट्रैक्टर, क्रूस कैंपर, जोश डोकलेर और लोकन टकर, वहीं दोस्तों आयरलैंड की तरफ से आपके लिए बॉलिंग की कमान संभालेंगे मार्क आदिर, बैरी मैकार्थी, क्रैग यंग, जोशुआ लिटिल, उसके बाद दोस्तों कुछ और जोश डोकलेर डाल सकते हैं, कुछ और क्रूस कैंपर भी डाल सकते हैं, तो दोस्तों आपको चीज ध्यान में और लास्ट मैच में एक ओवर की बॉलिंग ग्रेथक डेनली में की थी। अगर दोस्तों हम बात करें सेफ ऑप्शन आयरलैंड की तरफ से, तो आपके लिए पॉल स्टीलिंग सेफ है, हैरी ट्रैक्टर सेफ है, क्रूस कैंपर सेफ है, उसके बाद आपके लिए मार्क आदिल सेफ है, उसके बाद आपके लिए जोशुआ लिटिल सेफ है। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ उस केस में मैं बता दूं कि मैक्सिमम पब्लिक वो पॉल स्टीलिंग को सिलेक्ट करने वाली है, लेकिन अगर आप अपनी टीम में लोकी फर्गुसन, जैकी डफर, जेकब डफरी या बेन शेयरमैन किसी को मौका दे रहे हो तो आप कुछ टीमों में पॉल स्टीलिंग को ड्रॉप करके उनकी जगह एंड्रयू बल्ब्रिन को मौका दे सकते हो, ये भी कमाल का बैट्समैन है, हालांकि पिछले कुछ मैचेस प्लेयर के पास फॉर्म नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ग्रैंड लीग का ऑप्शन है ग्रेथर डेनली, 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, अगर कुछ रन बनाए और 1-2 विकेट निकाल के ले जाए तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पे जोश डोकरेल ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन रह सकता है, और उसके बाद दोस्तों आपके लिए क्रैग यंग 1 ग्रैंड लीग का ऑप्शन रह सकता है, खासकर अगर आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप इस प्लेयर को एक टीम के अंदर कैप्टन बनाने का रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में जोशुआ लिटिल ने 4 विकेट लिए थे, मार्क आदिर ने 2 विकेट लिए थे, तो मैक्सिमम पब्लिक इन दोनों प्लेयर के साथ जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्रैग यंग आपके ट्रंप प्लेयर रह सकता है क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा कम होगा और ये प्लेयर भी अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ न्यूजीलैंड विद बैटिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से आपके लिए ओपनिंग करने आएंगे मार्टिन गुप्टिल और फिन एलन, उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं डैन क्लेवर, यानी दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से ये 3 प्लेयर आपके लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से मिडल ऑर्डर की, तो यहाँ पे ग्लेन फिलिपी, डार्ली मिचेल, जेम्स निचल, माइकल ब्रेसवेल आपके लिए मिडल ऑर्डर की कमान संभालेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। और दोस्तों हम बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग सेक्शन के बारे में, तो मिचेल सेंटनर, आयुष सोडी, लोकी फर्गुसन और जेकब डफी आपके लिए बॉलिंग की कमान संभालेंगे, कुछ ओवर की बॉलिंग दोस्तों यहाँ पे जेम्स नीसम कर सकते हैं और एक आधे ओवर की बॉलिंग यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों सबसे खास बता दूं कि यहाँ पे अगर ब्लेयर थिकनर फिट होते हैं तो वो प्लेयर यहाँ पे खेलेंगे जेकब डफी की जगह, और अगर दोस्तों ब्लेयर थिकनर ये मैच खेलते हैं तो आपके लिए ग्रैंड लीग का मस्ट पिक रह सकता है, क्योंकि दोस्तों कमाल का बॉलर है न्यूजीलैंड की तरफ से। अगर दोस्तों हम बात करें सेफ ऑप्शन, तो आपके लिए मार्टिन गुप्टिल सेफ है स्मॉल लीग के लिए, ग्लेन फिलिपी सेफ है, जेम्स नीसम सेफ है, मिचेल सेंटनर सेफ है, लोकी फर्गुसन सेफ है, ये प्लेयर आपके लिए सेफ रहने वाले। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, आपको बता दूं अगर यहाँ पे आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे उस केस में आप कुछ टीमों में मार्टिन गुप्टिल को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आयरलैंड के बॉलर मार्क आदिर, क्रैग यंग में से कोई एक हो सकता है मार्टिन गुप्टिल को आउट कर दे, और वैसे भी मार्टिन गुप्टिल का सिलेक्शन बहुत होने वाला है। तो अगर आप मार्टिन गुप्टिल को ड्रॉप करो उस केस में आप डैन क्लेवर या फिन एलन में से किसी एक को मौका दे सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। उसके बाद दोस्तों लास्ट मैच में ग्लेन फिलिप्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मैक्सिमम पब्लिक लेने वाले, लेकिन दोस्तों इसके नीचे एक और प्लेयर जिसका नाम है डार्ली मिचेल, ये भी कमाल का हिटर है, ये प्लेयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे ब्लेयर थिकनर खेलते हैं तो ये प्लेयर तो फॉर श्योर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों सबसे खास बात बता दूं कि लास्ट मैच में लोकी फर्गुसन ने 4 विकेट निकाले थे, अब मान लीजिए ब्लेयर थिकनर ना खेले उसके जगह जेकब डफी खेले तो आप जेकब डफी को मौका दे सकते हो अपनी टीम के अंदर, खासकर अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो। बाकी दोस्तों प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो चेंज होगा तो वो चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको पता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लिंक पर क्लिक करके आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो
दोस्तों अब हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। मैं आपको बता दूं कि प्लेयर कंपैरिजन हम करने वाले हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर हमारे पास आयरलैंड की तरफ से लॉरकन टकर 6 या 7 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। लास्ट मैच में 11 रन बनाए थे। स्टेफन डोनाली लास्ट मैच नहीं खेले थे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से डैन क्लेवर जो कि 3 नंबर बैटिंग करने आए थे और 5 रन बनाए थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है लॉरकन टकर। रीजन क्या, मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको ओपनेट भी इसको लेने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप कुछ टीमों में लॉरकन टकर को ड्रॉप करके डैन क्लेवर को मौका दो, क्योंकि ये प्लेयर 3 नंबर बैटिंग करने आता है। टॉप ऑर्डर में बैटिंग आने के चांस थोड़े ज्यादा है और हो सकता है अगर आपके लिए 25-30 रन बना दे और 3-4 कैच ले ले तो आपके लिए कमाल का परफॉर्मर रह सकता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में। बैट्समैन हमारे पास आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टीलिंग ओपनिंग की थी लास्ट मैच में 13 रन बनाए थे। एंडी बेलब्रिन ओपनिंग की थी लास्ट मैच में 12 रन बनाए थे। हैरी ट्रैक्टर 4 नंबर बैटिंग करने आए थे लास्ट मैच में 5 रन बनाए थे। जोश डोकलेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं, 15 रन बनाए थे लास्ट मैच में, 1 विकेट लिया था। वहीं दोस्तों हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल ओपनिंग की थी लास्ट मैच में 24 रन बनाए थे। फिन एलन ने ओपनिंग की थी लास्ट मैच में 1 रन बनाया था। ग्लेन फिलिपी दोस्तों लास्ट मैच में 4 नंबर बैटिंग करने आए थे, 69 रन बनाए थे। डार्ली मिचेल 5 नंबर बैटिंग करने आए थे और 5 रन बनाए थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है मार्टिन गुप्टिल, सेकंड चॉइस है ग्लेन फिलिपी, थर्ड चॉइस दोस्तों आपके लिए यहाँ पे रहने वाले पॉल स्टीलिंग और फोर्थ चॉइस रहने वाले हैरी ट्रैक्टर। ये 4 प्लेयर आपके स्मॉल लीग की टीम में फिक्स रहने वाले हैं क्योंकि आपका ओपोनेंट भी इन्हीं को लेने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप क्या कर सकते हो, आप फिन एलन को मौका दे सकते हो। काफी कमाल का हिटर, हालांकि लास्ट मैच में फ्लॉप हो गया था। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे मार्क चैंपियन खेलते हैं तो ये प्लेयर भी आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद दोस्तों आप कुछ टीमों में ग्लेन फिलिपी या मार्टिन गुप्टिल में किसी एक को ड्रॉप करके डार्ली मिचेल को मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टीलिंग को मैक्सिमम पब्लिक सेलेक्ट करेगी, तो आप अगर रिस्क लेना चाहो तो आप पॉल स्टीलिंग को ड्रॉप करके एंडी बेलब्रिन को मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों आप कुछ टीमों में जोश डोकरेल को भी मौका दे सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। ऑलराउंडर हमारे पास आयरलैंड की तरफ से ग्रेथर डेनली राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 3 नंबर बैटिंग करने आए थे, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, 5 रन बनाए थे। क्रिस्ट कैंपर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 29 रन बनाए थे, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था। बैरी मैकग्रा दोस्तों राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 7 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। वहीं दोस्तों हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सैंडलर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 2 रन 2 विकेट। एम ब्रेसवेल राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 21 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। जेम्स नीसम राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 29 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम सेफ बना रहे हो तो फर्स्ट चॉइस सैंटनर, सेकंड चॉइस जेम्स नीसम और थर्ड चॉइस आपके लिए क्रिस्ट कैंपर रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो ग्रेथर डेनली को मौका दे सकते हो, एम ब्रेसवेल को मौका दे सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग हमारे पास आयरलैंड की तरफ से क्रेग यंग लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, मार्क आदिर को लास्ट मैच में 2 विकेट मिले थे, जोस वालेटल को लास्ट मैच में 4 विकेट मिले थे और एंडी मैकब्राइन लास्ट मैच नहीं खेले थे। वहीं दोस्तों हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से लोकी फर्गुसन 4 विकेट लिए थे लास्ट मैच में, आईएस सोडी को 1 विकेट, जेकब डफी को 1 विकेट और बेन सीएस लास्ट मैच नहीं खेले थे। ये वाला मैच दोस्तों ब्लेड थिकन अगर फिट होते तो वो प्लेयर भी खेल सकता है। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस है यहाँ पे जोस वालेटल, सेकंड चॉइस है मार्क आदिर, थर्ड चॉइस है लोकी फर्गुसन और फोर्थ चॉइस आप आईएस सोडी को दे सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप क्रेग यंग को मौका दीजिए ग्रैंड लीग की टीम में, इवन वाइस कैप्टन दयाल से ट्राई कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहो। उसके बाद दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम में जेकब डफी को मौका दे सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे एंडी मैकब्रिन खेलते हो आप इस प्लेयर को भी ग्रैंड लीग की टीम में मौका दे सकते हो। और सबसे खास बात दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे ब्लेयर थिकनर को मौका देती है तो आप उस प्लेयर को ग्रैंड लीग की एक टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन याद से बनाइएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्रीम 11 की टीम बनाई, बाकी आपको हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस टीम में विकेट कीपर में लिया लॉरकन टकर को, बैटिंग में लिया हैरी ट्रैक्टर, ग्लेन फिलिपी और मार्क गुप्टिल को, ऑलराउंडर में लिया क्रिस्ट कैंपर, मिचेल सैंटनर और जेम्स नीसम को, और बॉलिंग में लिया जोसवा लिटिल, मार्क आदिर और लोकी फर्गुसन को। दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 प्लेयर चूज किए, 11 प्लेयर में यहाँ पे क्रेग यंग को मौका दे सकता हूँ या आईएस सोडी को मौका दे सकता हूँ या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे एंडी बेलब्रिन को मौका दे सकता हूँ। एक चीज बता दोस्तों कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ग्लेन फिलिपी और मार्टिन गुप्टिल को लिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आप फिन एलन को मौका दे सकते हो ग्रैंड लीग की टीम के अंदर, क्योंकि काफी कम सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आप निशम और सेंटन में किसी एक को ड्रॉप करो तो आप डार्ली मिचेल को मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉरकन टकर को चूज किया क्योंकि एज ए सेफ चॉइस फॉर स्मॉल लीग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डैन क्लेवर है, वो प्लेयर 3 नंबर बैटिंग करना था, तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन रह सकता है। बाकी दोस्तों कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी उसे मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।